हरे कृष्णा डियर लिसनर्स, तो आज भगवद गीता के फर्स्ट चैप्टर के वर्स नंबर 4 से लेकर 9 तक चर्चा करेंगे. इसका पहला श्लोक, चौथा श्लोक इस प्रकार से है. अत्र शूरा महिश्वासा भीमार्जुन समायुधि युधानो विराटश्च द्रुपदश्च महारथः. इसके बाद ये सारी ट्रांसलेशन हम एक साथ पढ़ लेते हैं. इस सेना में भीम तथा अर्जुन के समान युद्ध करने वाले अनेक वीर धनुर्धर हैं, यथा महारथी युधान, विराट तथा द्रुपद. इसके साथ ही दृष्टकेतु, चेकितान, काशीराज, पुरोजित, कुंती भोज तथा शैब्य जैसे महान शक्तिशाली योद्धा भी हैं. पराक्रमी युधामन्यु अत्यंत शक्तिशाली उत्तमाओजा, सुभद्रा का पुत्र तथा द्रौपदी का पुत्र, ये सभी महारथी हैं. किंतु हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, आपकी सूचना के लिए मैं अपनी सेना के उन नायकों के विषय में बताना चाहूंगा जो मेरी सेना को संचालित करने में विशेष रूप से निपुण है. मेरी सेना में स्वयं आप, भीष्म, कर्ण, कृपाचार्य, अश्वत्थामा, विकर्ण तथा सोमदत्त का पुत्र भूरिश्रव आदि हैं, जो युद्ध में सदैव विजयी रहे हैं. ऐसे अन्य अनेक वीर भी हैं जो मेरे लिए अपना जीवन त्याग करने के लिए उद्यत हैं. वे विविध प्रकार के हथियारों से सुसज्जित हैं और युद्ध विद्या में निपुण हैं. तो यहां पर कॉन्फिडेंस बूस्ट कर रहे हैं. सबसे पहले तो दुर्योधन ने एनालिसिस किया अपने सामने वाली पार्टी यानी कि पांडवों की पार्टी की स्ट्रेंथ का, और वो एनालिसिस करने के बाद ऐसा ना हो कि मेरे टीममेट्स, जो मेरी टीम है, कौरवों की टीम है, उनका कॉन्फिडेंस लूज ना हो जाए, कम ना हो जाए. तो उसके बाद तुरंत दुर्योधन ने अपनी सेना में आने वाले महारथियों के बारे में भी चर्चा शुरू की कि वास्तव में ये सबके सब विजयी हैं और ये अपना जीवन त्याग करने के लिए भी उद्यत हैं. और इस प्रकार से दुर्योधन अपनी सेना का कॉन्फिडेंस बूस्ट करने का प्रयास कर रहे हैं. तो यहां पर दुर्योधन ने बड़ी अच्छी बात कही. दुर्योधन यहां पर कह रहे हैं कि यहां पर अनेक वीर हैं जो मेरे लिए अपना जीवन का त्याग करने के लिए उद्यत हैं, लेकिन आचार्यगण हमको ये बताते हैं कि वास्तव में अर्जुन यही बता रहे हैं कि इन सबको अपना प्राण खोने ही पड़ेंगे. भले ही ये बड़े बड़े वॉरियर्स हों, बड़े बड़े शक्तिशाली वॉरियर्स हों, लेकिन फिर भी हार तो दुर्योधन की ही होनी है. भले ही दुर्योधन के पास बड़े बड़े वॉरियर्स थे, बहुत शक्तिशाली वॉरियर्स थे, जैसे कि उनके साइड भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य जैसे वॉरियर्स थे. भीष्म पितामह जिन्होंने कि परशुराम जी को हराया हुआ है, द्रोणाचार्य भी बहुत ही विलक्षण योद्धा थे. इनको बताया गया है कि वास्तव में ये तिमिंगला नाम की मछली के समान थे. अब तिमिंगला मछली के कितनी बड़ी होती है, एक मछली होती है उसका नाम होता है तिमी, और ये तिमी नाम की मछली होती है 800 मील लेंथ में और 800 मील ब्रेथ में. इसकी लंबाई चौड़ाई होती है 800 मील और 800 मील. ऐसी तिमी नाम की मछली को जो अपने गले में रखे उसको बोलते हैं तिमिंगला. ऐसी तिमिंगला फिश से कंपेयर किया गया है द्रोणाचार्य को और भीष्म पितामह को, ऐसे महान योद्धाओं के होते हुए. इसीलिए दुर्योधन का कॉन्फिडेंस बहुत हाई था कि वास्तव में उसकी विजय होगी. लेकिन दुख की बात यह है कि इतने सारे योद्धा होने के बाद, इतने स्किल्स होने के बाद, इन सारे योद्धाओं ने क्योंकि भगवान की शरण नहीं ली, उन्होंने भगवान की ओपोजिट साइड की शरण ली, इसीलिए विजय वास्तव में पांडवों की ही निश्चित थी और कौरवों की हार भी साथ ही निश्चित थी. दुर्योधन वास्तव में कलयुग के अवतार हैं जिन्होंने की महाभारत में भाग लिया. तो जो व्यक्ति कलयुग की सेवा करेगा उसकी हार निश्चित है. तो अगर हम भी भगवान की साइड नहीं लेते और इस कलयुग के ग्लैमर, इस कलयुग की चकाचौंध में इतने खो जाते हैं कि हम भगवान को भूल जाते हैं, तो हम भले ही कितने स्किलफुल हों, कितने गुणवान हों, कितने शक्तिशाली हों, लेकिन हम वास्तव में अंत में परास्त होंगे. हमारे जीवन सिर्फ फ्रस्ट्रेटेड रहेगी. क्यों? क्योंकि हमने भगवान का साथ नहीं दिया. जब मैं पढ़ाई कर रहा था अपनी इंजीनियरिंग की, तो कंप्यूटर साइंस में हमारा आखिरी जो साल था उसमें हमारे कॉलेज की तरफ से एक सेमिनार ऑर्गेनाइज की गई थी, वो थी स्ट्रेस मैनेजमेंट सेमिनार, ताकि अभी बच्चे हैं, कॉलेज से बाहर निकलेंगे, इनको स्ट्रेस होगा नौकरी मिलेगी नहीं मिलेगी. तो इसीलिए एक स्ट्रेस मैनेजमेंट सेमिनार ऑर्गेनाइज की गई और एक बहुत ही बढ़िया प्रेजेंटर था जिसने कि इस स्ट्रेस मैनेजमेंट सेमिनार को प्रेजेंट किया. तो ये दो सेशन था, ये दो सेशन में था पूरा सेमिनार, पार्ट वन पार्ट टू, और बीच में लंच ब्रेक था. तो पहला सेशन जब मैंने अटेंड किया तो मैं बहुत ही इंप्रेस हुआ कि वाकई में ये तो व्यक्ति ने बहुत ही अच्छी बात बताई है, इसमें किस तरह से स्ट्रेस को हैंडल करना चाहिए. तो जब बीच में ब्रेक आया तो ये व्यक्ति नीचे गया और ये बिल्डिंग के पीछे जाकर इसने सिगरेट निकाली और ये सिगरेट पीने लगा. तो जब ये सिगरेट पीने लगा तो मैंने इसे पूछा, सर अभी अभी आपने स्ट्रेस मैनेजमेंट का सेमिनार दिया है लेकिन आप सिगरेट पी रहे हैं, सर ये बात सर मैं ना समझ नहीं पा रहा. तो इस व्यक्ति ने कहा कि देखो ये स्ट्रेस मैनेजमेंट का सेमिनार देते देते भी स्ट्रेस हो जाता है. अभी वहां से मुझको पैसा नहीं आया, दूसरा इंजीनियरिंग कॉलेज है उससे मेरे को पैसा नहीं आया, इस इंजीनियरिंग कॉलेज से पैसा नहीं आया, उस इंजीनियरिंग कॉलेज से मुझे पैसा नहीं आया, इस तरह से वो बता रहा था. और इस वजह से वो बहुत स्ट्रेस में था.
अब जो जो व्यक्ति स्ट्रेस मैनेजमेंट का सेमिनार दे, अगर वो खुद ही स्ट्रेस में आ जाए तो भला उसकी बताई हुई ट्रिक्स भला कैसे काम करेंगी। पर मैं सोच रहा था इस व्यक्ति में तो कितने, ये तो बड़ा गुणवान व्यक्ति था, इसमें तो बड़े स्किल्स थे, ही वाज वेरी स्किलफुल, वेरी प्रेजेंटेबल, सो मेनी रोल प्लेज, वेरी करिश्मेटिक पर्सनैलिटी, बट येट हिज ट्रिक्स वर नॉट वर्किंग ऑन हिम, व्हाई। और उस वक्त मैं नया नया हरे कृष्णा डिवोटी था और मैंने भगवद गीता भी पूरी नहीं पढ़ी थी, मैं एक स्टूडेंट था उस वक्त, तो मैं समझ नहीं पाया कि उसकी प्रेजेंटेशन में कमी क्या थी। तो शाम के समय मैं ईस्ट ऑफ कैलाश में जो राधा पार्थ सारथी मंदिर है इस्कॉन का, वहां जाया करता था कॉलेज के बाद। तो जब मैं कॉलेज के बाद वहां पहुंचा और मैंने भगवान के दर्शन किए, दर्शन करते ही मेरे को समझ में आ गया कि उसकी उस व्यक्ति की प्रेजेंटेशन में क्या कमी थी। उस व्यक्ति की प्रेजेंटेशन में भगवान नहीं थे। तो भले ही हम कितना कुछ अच्छे से करें, वास्तव में अंत में वो पराजित होगा ही होगा। क्यों? क्योंकि वास्तव में उसमें भगवान नहीं है। तो यहां पर बड़े बड़े योद्धा थे लेकिन इन सबकी हार होनी थी, ये क्योंकि भगवान के साथ नहीं थे। भगवान तो ये भगवान की ऑपोजिट साइड में थे। सो व्हेन वी आर शोइंग आर बैक टू गॉड वी कैन नॉट बी सक्सेसफुल, बट व्हेन वी गो बैक टू गॉड देन वी कैन बी सक्सेसफुल। तो भले ही आज हम मॉरल एजुकेशन की बात करते हैं कि हमें मॉरल एजुकेशन देनी चाहिए, बच्चों को अच्छे संस्कार देने चाहिए, लेकिन ये मॉरल एजुकेशन आज काम क्यों नहीं कर रही? भले ही हम शिक्षा देते हैं बी अ गुड बॉय, बी अ गुड गर्ल, डोंट हार्म अदर्स, डोंट लाई, लेकिन हम सब कुछ जानते हुए भी गलत काम करते हैं। ये मॉरल एजुकेशन भला क्यों काम नहीं कर रही? ये मॉरल एजुकेशन जब ईश्वर विहीन होती है, जब भगवान के बिना होती है, जब हम भगवान के बिना ये मॉरल एजुकेशन देते हैं तो ये काम नहीं करती। जैसे हमारे देश के एक राज्य में एक बार ऐसा हुआ था कि वहां पर लोग मदिरा पान ना करें, इसके लिए सारी वाइन शॉप्स बंद कर दी गई थी। ये ध्यान में रखते हुए कि लोग इस तरह से शराब नहीं पियेंगे, मदिरा पान नहीं करेंगे, लोगों का कैरेक्टर अच्छा होगा। तो हुआ क्या कि उस राज्य में अचानक कफ सिरप की यूसेज बहुत बढ़ गई। कफ सिरप की इतनी डिमांड हो गई क्योंकि कफ सिरप के अंदर थोड़ा सा अल्कोहल होता है। तो लोगों ने सोचा भाई ठीक है, अगर हमको वैसे अल्कोहल नहीं मिलता तो हम इस तरह से अल्कोहल लेंगे, हम कफ सिरप के माध्यम से अल्कोहल लेंगे। और दे दनादन लोगों ने कफ सिरप खरीदे कि कफ सिरप जो है एकदम आउट ऑफ स्टॉक हो गया। तो जब हम गॉडलेस मॉरल एजुकेशन देते हैं, बिना भगवान के लोगों को ठीक करने की कोशिश करते हैं, तो होता क्या है, परिणाम जो है उसमें हमें असफलता प्राप्त होती है। तो यहां पर दुर्योधन के साथ बड़े बड़े योद्धा हैं लेकिन फिर भी उनकी हार होगी। क्यों? क्योंकि यहां पर भगवान उनके साथ नहीं है। दूसरी तरफ दुर्योधन की साइड उनके 100 भाई हैं और बड़े बड़े योद्धा हैं, और उस तरफ पांडवों की साइड में 5 भाई हैं और कुछ और योद्धा भी हैं, लेकिन एक बहुत ही विशेष व्यक्ति है जो कि पांडवों की साइड में है और वो है भगवान। भगवान श्री कृष्ण उनके साथ है, इसीलिए उनकी जीत निश्चित है। तो मैं आज के सेशन को यहीं पे कंक्लूड करूंगा एक बहुत ही सुंदर श्लोक से जो कि मुकुटमाला स्त्रोत में आता है। तो इस प्रकार से है, मत जन्मना फलम इदम मधु कैट भारे, मत प्रार्थनीय मत अनुग्रह एश एव, तो भृत्य भृत्य परिचारक भृत्य 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 इति माम स्मर लोकनाथ। तो यहां पर महाराज कुलशेखर भगवान से ये प्रार्थना करें कि हे मधुसूदन, हे कृष्ण, हे परम भगवान, हे जीवन के लक्ष्य, हे कृपा निधि, हे प्रभु मुझ पे कृपा करें और मुझको दास बनाएं, दास बनाएं, आपके दासों का दास बनाएं, उनके दासों का दास बनाएं, दासों का दास बनाएं, दासों का दास बनाएं, बस आपका दास बनाएं, आपके दासों का दासों का दासों का दास बनाएं प्रभु। तो इस प्रकार की इच्छा जब हम रखते हैं कि हम जब भगवान के भक्तों का दासों का दासों का दासों का दास होना चाहते हैं तो हम वास्तव में बिंदास हो जाते हैं। तो आप से कौन कौन है जो उदास रहना चाहेगा और कौन कौन है जो बिंदास रहना चाहेगा? हर व्यक्ति आज बिंदास रहना चाहता है लेकिन वास्तव में जब तक हम भगवान को अपने जीवन में नहीं लाएंगे हम कभी भी बिंदास नहीं हो सकते। ओके, तो आज के सेशन को हम कंक्लूड करते हैं। तो आज हमने ये चर्चा की कि भले ही दुर्योधन के साइड में बड़े बड़े वॉरियर्स थे लेकिन क्योंकि उनकी साइड में भगवान नहीं है तो बड़े बड़े वॉरियर्स, बड़े बड़े अस्त्र शस्त्र भी उसके उनका साथ देने वाले नहीं है। भले ही द्रोणाचार्य भीष्म पितामह जिनको तिमंगला नाम की मछली से कंपेयर किया गया लेकिन फिर भी जीत तो पांडवों की होनी है क्योंकि अगर भगवान हमारे साथ नहीं तो मॉरल एजुकेशन भी फलीभूत, तो मॉरल एजुकेशन भी अपना पूरा पूरा फल नहीं दे पाएगी। थैंक यू ऑल वेरी मच। हरे कृष्णा।